इसीलिए कहता हूँ हमारे सारे वीडियो देखकर जाया करो। नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के पेपर में जो है हमारे जो मैंने आपको वीडियो बताया था, जो क्वेश्चंस बताए थे और जो पिछले पेपर का सॉल्यूशन कराया था, उसी में से सारा पेपर आया हुआ था। ये है पेपर है फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो आप लोग इसका आंसर जो है मिलाइए, हम इसके आंसर के लेकर आए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से जो है मिलाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह कृषि प्रणाली जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन डेयरी का कार्य किया जाता है कहलाती है। तो ये कहलाती है मिश्रित खेती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि फटाफट से वो लोग भी अपना आंसर मिला सकें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करिए, जिससे हमें भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहन हो सके कि हमारी मेहनत जो है काम आ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेंचिंग कहाँ प्रचलित है। तो भारत में रेंचिंग पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हस्तांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है। तो भारत में हस्तांतरित खेती सबसे अधिक प्रचलित है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही सरल पेपर था आज का। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जैबो कृषि किस राज्य से संबंधित है। तो जैबो कृषि जो है नागालैंड में की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नागालैंड संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कारक खेती के प्रकार को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से उत्पाद संबंध, जलवायु, व्यापार कौशल, सभी सही होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये तो आपको पता ही होगा कि लगभग ऑप्शन डी वाले सभी सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, FYM का पूर्ण रूप है। तो फार्म यार्ड मेन्योर होता है इसका पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन, मुर्गी पालन व मधुमक्खी पालन घटक हैं। तो ये है फार्मिंग सिस्टम के, कृषि प्रणाली के। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण, वनों का अनाच्छादन और निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, ये किस में हो रहा है। ये तो मॉडर्न कृषि में हो रहा है, नवीन कृषि में हो रहा है जो कि इतने समय की जा रही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कीट नियंत्रण की सस्य विधि है। तो कीट नियंत्रण की सस्य विधि है आच्छादित फसलें, गर्मी की जुताई और फसल चक्र, सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि की वह प्रणाली जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के आधार को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की भोजन आवश्यकता को पूरा करना कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, अस्थाई कृषि या टिकाऊ कृषि। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ZBNF का फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एजोला एवं नील हरित सहवाल उदाहरण है। तो ये जैव उर्वरक, जैव बायो फर्टिलाइजर के हैं। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों के बीच उपचारित किया जाता है। तो दलहनी फसलों के बीच उपचारित किया जाता है राइजोबियम को, राइजोबियम से किया जाता है दलहनी फसलों का उपचार। और दलहनी फसलें हैं तो ये प्रोटीन युक्त फसलें हैं और पुनर्स्थापक या पुनर्स्थापनात्मक फसल। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मेथेन गैस अधिकतर किस फसल के खेत से निकलती है। तो ये धान के खेत से निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में तीनों मौसम में उगाई जाने फसल। तो ये मक्का है, मक्का को तीनों फसल में उगा लिया जाता है। अगला है, C4 पौधा है। तो ज्वार का पौधा जो है सोरघम, ये C4 पौधा है। और कपास है एक, तो ये सफ़ेद सोना और रेस वाली फसल दोनों है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, IFS का पूर्ण रूप है। तो IFS का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, समन्वित कृषि प्रणाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। सारे क्वेश्चन, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से आए हुए हैं। तो आप लोग जो है हमारा वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा। इसका जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का वीडियो है, वो मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांद्रित कार्बनिक खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। तो खाद होगा, ऑर्गेनिक मेन्योर होगा। तो कंपोस्ट, मूँगफली या वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें से जो मूँगफली है, ये है एक एग्जाम्पल ऑफ कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मेन्योर का। अगला क्वेश्चन है, शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो शहरी कंपोस्ट में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 1.4%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है। तो ये तो आपको पता ही होगा, कानपुर में है IIPR। अगला क्वेश्चन है, उतेरा क्रॉपिंग प्रचलन में है। तो ये पिछली बार का क्वेश्चन है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो पिछली बार के पेपर का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है क्रॉप इंप्रूवमेंट का, तो आप लोग उसे जरूर देखकर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे ओवरलैपिंग क्रॉपिंग नाम से जाना जाता है, अतिछादी फसल। अगला क्वेश्चन है कि फसल सघनता सूचकांक यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडेक्स किसने दिया था।
तो ये क्वेश्चन जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन डार लिंपल जो है इसमें हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर आप लोगों को क्लियर पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ष का फसल चक्र, द्विवर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, तो मक्का और गन्ना और सनई और गन्ना दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मक्का गन्ना पेड़ी की फसल चक्र सघनता है, तो इसकी फसल चक्र सघनता हो जाएगी 300%, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तीन फसल है और 3 वर्ष का है, तो इसका 300% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें जो है जो मक्का गन्ना और पेड़ी की फसल चक्र सघनता है, ये हो जाएगा, इसमें मक्का और गन्ना और पेड़ी ये 3 वर्ष की फसल चक्र है और इसमें तीन फसलें हैं, गुड़े 100 बराबर ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर 100 आएगा, 100% होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्लियर सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्वार ग्वार बरसीम जई पूरा फसल चक्र पूरा होता है, तो ये 2 वर्ष में होता है। 2 वर्ष में क्यों होता है? क्योंकि ज्वार जो है खरीफ में बोई जाती है और ग्वार बरसीम फिर उसके बाद रबी में बोई जाती है, उसके बाद फिर दोबारा रबी में जई बोई जाती है, तो इसलिए ये 2 वर्ष का फसल चक्र होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि वर्ष कब से शुरू होता है? तो 1 जून से शुरू होता है कृषि वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एकल फसल में फसल सघनता होती है, तो ये 100% होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विविधीकृत खेती के लाभ हैं, तो भूमि का अच्छा इस्तेमाल, श्रम का अच्छा इस्तेमाल और पूंजी का अच्छा इस्तेमाल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरी जड़ वाली फसल के बाद उछली जड़ वाली फसल, ये तो फसल चक्र का है सिद्धांत एक। और अगला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान के पिता हैं, तो सस्य विज्ञान के पिता कौन हैं? पीटरो डे किर्सिन जी, ऑप्शन का सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक भूमि समतुल्य अनुपात दर्शाता है, तो ये दर्शाता है उपज लाभ को, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, LER जब एक से अधिक होगा तो लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य फार्म का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य फार्म का प्रबंधन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुफसली सूचकांक किसके द्वारा दिया गया? तो बहुफसली सूचकांक पिछले बार पेपर में आया हुआ है, डालरिम्पल द्वारा दिया गया, कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है, यही शायद क्रॉपिंग इंटेंसिटी को भी इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ICAR भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान, ये लास्ट वाले वीडियो मैंने अपलोड किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इज सिचुएटेड एट, तो ये है मेरठ में, मोदीपुरम मेरठ में। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है, तो कृषि प्रणाली दृष्टिकोण का संबंध है इंडिविजुअल और होल, ये होलिस्टिक और इंडिविजुअल मैंने बताया हुआ था अपने वीडियो में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ये और भी दोनों। अगला क्वेश्चन है, FAO का पूरा रूप है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, स्थाई कृषि में परिस्थिति की होती है, पिछले बार का क्वेश्चन फ्रेजरेबल फ्रेजियल यानी भंगुर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ये तो सबको आता ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुपूरक फसल में सहायक उद्यम का योगदान होता है, तो अनुपूरक फसल में सहायक, ये पिछले बार का पेपर है, 10% होता है। अगला क्वेश्चन है, ICAR कहाँ स्थित है? तो ये भी कोई क्वेश्चन है, ये नई दिल्ली में स्थित है ICAR का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, गेहूँ है एक, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, कार्बोहाइड्रेट युक्त फसल है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक हैं, तो भूमि श्रम पूंजी संगठन, बहुत ही ज़्यादा सरल पेपर आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आज लगभग 50 में 50 बहुत बच्चों के होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य है, पूंजीवादी खेती का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, इसमें उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसमें केवल होगा लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन फार्म एवं अनुसंधान फार्म उदाहरण है, तो ये राजकीय खेती स्टेट फार्मिंग के हैं, ये भी पिछले बार का पेपर है, उल्टा करके पूछ क्वेश्चन है, उल्टा करके पूछ लिया गया है। LEISA इस व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सस्टेनेबल, ऑप्शन सी, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो एस होगा सस्टेनेबल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, धान गेहूं है, तो धान गेहूं 1 वर्षीय फसल चक्र है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना आलू और प्याज उदाहरण है, तो ये नकदी फसल कैश क्रॉप का है। इसके बाद अगला है, झूमिंग खेती, तो झूमिंग खेती में भूमि परिवर्तित होती है, चक्रित होती है, लैंड आर रोटेटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पिता, भारत में हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, एनी बोरलॉन्ग को विश्व में हरित क्रांति के पिता कहा जाता है। अगला है, सामान्यतः फसल चक्र शुरू होता है, तो ये जो है खरीफ से शुरू किया जाता है ज़्यादातर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि फसलों एवं पर्यावरण के संबंध का अध्ययन कहलाता है, तो इसे एग्रो इकोलॉजी, कृषि पारिस्थितिकी, ये भी पिछले बार का क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट है एक, तो वर्मी कंपोस्ट एक भारी कार्बनिक खाद है, बल्कि ऑर्गेनिक मेन्योर है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें कुल कृषि आय का 50% या इससे अधिक एक ही कृषि उद्यम से प्राप्त होता है, तो इसे कहा जाता है विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन है, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रणाली जिसमें कृषि योग्य फसलें, पेड़ या झाड़ियाँ
बनी गलियों में उगाई जाती हैं, ये हो जाएगा एले क्रॉपिंग, गली फसलें। और लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य घनत्व पर शुद्ध रूप से फसल उगाने को कहते हैं, इसे कहा जाता है व्यक्तिगत फसल या सोल क्रॉपिंग। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो चलो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।